हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अदितिस फूड एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपके लिए आज स्ट्रीट स्टाइल वेज गलावटी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो मैंने विदाउट अनियन गार्लिक बनाया है। आप चाहें तो इसमें अनियन गार्लिक डाल सकते हैं, बट ये विदाउट अनियन गार्लिक भी उतना ही टेस्टी लगता है। आप इसको पराठे के संग भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप न्यूट्री चंक्स लिए हुए हैं और उनको मैंने गर्म पानी में 20 से 25 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दिया है। ये मैंने 2 कप राजमा लिया था और उसको 7 से 8 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। इसको कबाब बनाने के लिए ओवर कुक बॉईल करेंगे, देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, मैंने गैस ऑन नहीं की है अभी। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 टीस्पून खड़ा धनिया और 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, शाही ज़ीरा लेंगे हम इसमें। उसके बाद मैंने 2 टीस्पून यहाँ काली मिर्च ली है, 2 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ दालचीनी का डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ 2 मेज़ जावित्री के लिए हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद 4 से 5 मैंने बड़ी इलायची ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। 5 से 6 छोटी इलायची डालेंगे और आधा टुकड़ा इसमें हम जायफल का डालेंगे। और मैंने यहाँ 10-12 पंखुड़ियाँ गुलाब की ली हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ ना हो तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर सारे मसालों को भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब हम इनको ठंडा करके बाद में पीसेंगे। जब तक ये ठंडे होंगे तब तक हम अपनी और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म किया है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है और 10 से 12 टुकड़े काजू के हम फ्राई कर लेंगे। देखिए काजू हमारे गुलाबी गुलाबी कलर के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लाल मत करिएगा। अब हम गैस को बंद करेंगे। इसके बाद जो हमने सोया चंक्स भिगो के रखे थे वो प्रॉपर सॉफ्ट हो चुके हैं, उनको हम पानी से निचोड़ कर एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद जो राजमा हमने उबाले थे उसमें हम सोया चंक्स और जो काजू हमने फ्राई किए थे वो मिलाकर इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून इसमें हम भुना हुआ बेसन भी डालेंगे। बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिएगा, नहीं तो गलावटी कबाब का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। गलावटी कबाब का मतलब होता है एकदम सॉफ्ट कबाब, जो आपके मुंह में जाते एकदम घुल जाएं। इसके बाद इसमें जो हमने खड़े मसाले भुने थे उसको मैंने पीस लिया है, 2 टीस्पून हम इसमें वो ऐड करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा चक करके अपना अकॉर्डिंग मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से हाथ में देसी घी लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और कबाब की शेप हम देते जाएंगे। इस तरह से गोल गोल करके हम कबाब बना लेंगे। सारे कबाब को हम बना के रख ले। देखिए कबाब मैंने बना लिए हैं, अब हम इसको सेकेंगे। यहाँ मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और उसमें 2 टीस्पून मैंने देसी घी डाला है। इसके बाद इस तरह से हम सारे कबाब लगा देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको लाल लाल एकदम दोनों तरफ से सेक लेंगे। देखिए कबाब अच्छे से सेक चुके हैं दोनों साइड से, कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इनको एक प्लेट में असेंबल करेंगे। इस तरह से हम कबाब को लगा लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा चंकी चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पुदीने की चटनी बनाई है, उसके संग मैं इसको सर्व करूँगी। हमारा बढ़िया टेस्टी गलावटी कबाब खाने के लिए एकदम रेडी है। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।